Assalamu alaikum, students. I am your computer teacher. Now we are starting our first chapter, which is Introduction to Computers. So, open your book, page number two. Chapter number first, Introduction to Computers. Today, we will discuss these topics on page number two, which is Introduction to Computers and Computer Evolution. Students, hold your pencils. Important words and sentences must be underlined as guided by the teacher. Now, our first topic is Introduction to Computer. Computers have affected every aspect of our life. As aspect means every side. कहते हैं कि कंप्यूटर ने हमारे लाइफ के एवरी साइड एवरी एस्पेक्ट को अफेक्ट किया है मतलब आजकल जैसे आप लोग जानते ही हैं आजकल सब कुछ जो है वो कंप्यूटराइज है आजकल कंप्यूटर के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता बल्कि इम्पॉसिबल है कंप्यूटर के बगैर कोई काम करना कोई काम करने का सोचना अ कंप्यूटर इज एन एलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा स्टोर इट प्रोसेस इट एकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाई द यूजर एंड गिवज आउट द रिजल्ट द यूज़र द कंप्यूटर कैन स्टोर एंड मैनिपुलेट लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर इज इनकम्पेरेबल इनकमपेरेबल मीन्स जिसकी कोई मिसाल ना हो बच्चे सबसे पहले कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग कंप्यूटर के बारे में जाने कि कंप्यूटर है क्या असल में कंप्यूटर किसे कहते हैं तो सबसे पहले बच्चे आप याद रखें कंप्यूटर जो है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या मतलब है जो कि इलेक्ट्रिक करंट पे प्रोसेस uh, हो सके इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर सके जो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारे काम करते हैं बाइनरी लैंग्वेज पे बाइनरी लैंग्वेज क्या है बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है ज़ीरो एंड वन ज़ीरो वन की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है जैसे कि हमारे पास आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक uh, करंट से हमारा जो ये कंप्यूटर uh, है काम करता है तो स्टूडेंट्स ये ज़ीरो और वन ये शो करता है इलेक्ट्रिक फ़्लक्चुएशंस को जैसे हमारे पास ऑन और ऑफ़ स्टेट्स होते हैं आपको पता है ना इलेक्ट्रिक करंट में ऑन ऑफ स्टेट होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस है तो ऑन ऑफ और ऑफ स्टेट का मतलब है ऑन हमारे पास हाई है और ऑफ़ हमारे पास लो है जैसे हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज बनता है जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं जो हमारे पास कंबिनेशन है ज़ीरो एंड वन फॉर्म की कंप्यूटर सिस्टम में हम जो भी काम करते हैं हमारा जो भी एक्टिविटी uh, होती है कंप्यूटर में वो ज़ीरो वन फॉर्म में होते हैं जो कि कंप्यूटर ज़ीरो वन फॉर्म को समझता है कंप्यूटर हमारे जो इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है उनको नहीं समझता इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर क्या यूज़ करता है ट्रांसलेटर यूज़ करता है जो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़ीरो वन फॉर्म में चेंज कर, दे, कर देता है और फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है तो याद रखें बच्चे कंप्यूटर जो है उसकी अपनी लैंग्वेज जो है वो है बाइनरी लैंग्वेज जो कि है ज़ीरो एंड वन ये जो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती हैं जो जैसे हमारे पास एम एस वर्ड हो गए जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं और हम इंग्लिश में कोई पैराग्राफ़ करते हैं या उर्दू में कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो असल में ट्रांसलेटर्स उसमें यूज़ होती हैं असल में कंप्यूटर ख़ुद जो समझता है वो ज़ीरो वन को समझता है और इंग्लिश या उर्दू को समझने के लिए वो फिर क्या यूज़ करता है ट्रांसलेटर्स वो इन हमारे पास आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं उसमें आ भी जाएगा लेकिन एज uh, इंट्रोडक्शन में आप लोग को ये जानना जरूरी था अच्छा इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इस पैराग्राफ में कंप्यूटर की डिफिनीशन की गई है ये बच्चे अंडरलाइन करें बल्कि ब्रैकेट्स डालें कंप्यूटर की ये डिफिनीशन है अ कंप्यूटर इज़ एन एलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इधर से आप लोग स्टार्ट करें अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको आप लोग यू अंडरलाइन भी कर सकते हैं अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा जो कि डेटा एक्सेप्ट करता है किस लिए एक्सेप्ट करता है प्रोसेस करने के लिए ना फॉर एग्जाम्पल हमारा हमें कोई एक्टिविटी करना है कोई काम करना है कोई एडिशन है सब्ट्रक्शन है तो उसके लिए तो हमने डेटा देना पड़ेगा ना कंप्यूटर को बग़ैर डेटा के तो कंप्यूटर कोई डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कोई प्रोसेस नहीं कर सकता जब तक हमारे पास हम डेटा नहीं देते कंप्यूटर को तो इसलिए एक्सेप्ट डेटा स्टोर इट प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द यूज़र ठीक है कंप्यूटर क्या करता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा एक्सेप्ट करता है इसे फिर स्टोर करता है इसको प्रोसेस करता है जिस किस किस तरह ये प्रोसेस करेगा उस तरह प्रोसेस करेगा जिस तरह यूज़र्स को ज़रूरत होती है जिस तरह यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूजर्स चाह रहा है कि मैं एडिशन करूँ तो एडिशन की कमांड देगा तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूज़र कहता है कि नहीं मैंने मल्टीप्लिकेशन करती करनी है डिवीज़न करनी है तो फिर उस लिहाज से उसको प्रोसेस करेगा द कंप्यूटर कैन स्टोर एंड मैनिपुलेट मैनिपुलेट मीन्स टू सॉल्व लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड वेरी हाई स्पीड से और लार्ज क्वान्टिट्टीज में ये डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है सॉल्व कर सकता है द स्पीड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर इज़ इनकम्पेरेबल इनकम्पेरेबल मीन्स जिसकी कोई मिसाल ना हो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जिसमें बेसिकली हमें क्या बताया हुआ है कंप्यूटर की डिफिनेशन बताई हुई है हमें तो कंप्यूटर की डिफिनेशन क्या हुई सबसे पहले क्या है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या करता है डेटा को एक्सेप्ट करता है उसे स्टोर करता है उसे प्रोसेस करता है यूजर्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो ये डिफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए ये इधर तक है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा स्टोर इट प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाई द यूजर्स एंड गिव्स आउट द रिज़ल्ट टू द यूजर ये हमारे पास क्या है कंप्यूटर की डिफिनेशन है अच्छा स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर एवोल्यूशन एवोल्यूशन का मतलब क्या है एवोल्यूशन का मतलब है डेवलपमेंट कि जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर में कैसे डेवलपमेंट्स हुई कंप्यूटर का जो मॉडर्न कंप्यूटर है इसका कॉन्सेप्ट कैसे सामने आए क्योंकि पुराने ज़माने में तो कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी नहीं और हमारे पास कोई ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी जिसपे हम इतनी लार्ज क्वांटिटीज में एडिशन और सबट्रैक्शन करते तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये जो कंप्यूटर एवोल्यूशन हुई है ये किस तरह हुई है तो इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ते हैं कंप्यूटर एवोल्यूशन की फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मैथमेटिशियंस साइंटिस्ट एंड बिजनस मैन हैर्चड फॉर कंप्यूटिंग मशीनज दैट कुड परफॉर्म कैल्कुलेशन क्विकली एंड एफिशेंटली कहते हैं कि हज़ारों सालों तक मैथमेटिशियंस जो हैं साइंटिस्ट और बिजनिस मैन वो इस चीज़ की खोज में थे कि कोई ऐसा मशीन कोई ऐसा मशीन बनाया जाए या ऐसा मशीन हो जिससे हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं वो जल्दी से और एफिशिएंट तरीके से हो वन ऑफ़ द फर्स्ट टूल यूज़ टू एक्सप्रेस नंबर्स वाज द अबैकस डेवलप इन बेबुलनिया अबाउट 5000 इयर्स अगो इट वाज बिल्ड आउट ऑफ वुड एंड बीड्स द एबैकस मार्क द फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड टू द कंप्यूटर शोर एंड ओल्ड एबैक्स मेड ऑफ स्टोन बीड्स देखें बच्चे इसमें कहते हैं कि सबसे फर्ज एक मैनुल uh, मशीन हम इसे कहते कह सकते हैं ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं था एक मैनुअल मशीन था जिसका नाम था एबैक्स फाइव थाउजेंड ईयर अगो इसको डेवलप किया गया किया गया था बेबुलोनिया में इसके ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं एबैक्स की ये आप लोग को ज़्यादा विजिबल नहीं होगा इसलिए मैंने एक और पिक्चर आप लोग के लिए ये अरेंज किया है तो देखें ये हमारे पास एबाकस है इसमें आप देखें ये इसमें बीड्स हैं नज़र आ रहा है आपको ये बीड्स ये नीचे और ऊपर और ये रॉड्स में हमारे पास बीड्स है इन बीड्स के आ, मदद से इसमें एडिशन और सबट्रैक्शन होती थी क्योंकि हमारे पास फ़र्स्ट एडिशन और सबट्रैक्शन वाला मैनुअल मशीन था इसलिए इसमें कुछ ख़ास होता भी नहीं था ये एक फ्रेम देख रहे हैं आप लोग ये एक फ्रेम में रॉड्स हैं ये रॉड्स हैं आपको जो रॉड्स नज़र आ रही हैं और इसमें हमारे पास ये बीड्स लगे हुए हैं तो इन बीड्स की मदद से ये लोग इसकी एडिशन भी कर सकते थे और इसमें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे ये हमारे पास है अबाकस तो कहते हैं कि दबागस मार्क द फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड टू द कंप्यूटर ये मैनुअल मशीन जो है अबाकस ये हमारे पास फर्स्ट इसको हम आ, उस वक्त ये के कहलाता था जो कि सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था लेकिन ये कंप्यूटर्स को न, की डेवलपमेंट में और कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स में ये एक फ़र्स्ट स्टेप था कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि एक ऐसा मशीन या एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो कि हमारे काम को क्विकली और एफिशिएंट तरीके से करे तो इसमें फ़र्स्ट स्टेप जो था वो था एबाकस जो कि फाइव थाउजेंड ईयर अगो बेबलिया में डेवेलप किया गया था इसके बाद इन अर्ली सिक्सटीन हंड्रेड जॉन नेपियर अ मैथमेटिशियन फ्राम स्कॉटलैंड इन्वेंटेड कैलकुलेटिंग रॉड्स कॉल नैपियर्स बोन द डिवाइस अलाउ क्विक एंड एकट मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स इसके बाद सिक्सटीन हंड्रेड में जॉन नेपियर ने जो कि एक मैथमेटिशियन था स्कॉटलैंड से इन्वेंट किया क्या किया कैलकुलेटिंग रॉड्स जो कि क्विक uh, मल्टीप्लिकेशन के लिए लार्ज नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यूज़ होता था इसके हमारे पास पिक्चर नहीं है बुक में इसलिए मैंने आप लोग के लिए इसकी भी डायग्राम एक अरेंज की है नेपियर्स बोन की ये देखिए ये नेपियर्स बोन है आप लोग को नज़र आ रहा होगा ये नेपियर्स बोन ये देखिए ये ये हमारे पास नेपियर्स बोन है जो कि 1600 में 1600 हंड्रेड नहीं ये जॉन नेपियर्स ने ये एक आ, मशीन डेवलप किया था जिससे हम क्या कर सकते थे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती थी इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस नेपियर बोन से होता था ये डायग्राम है इंशाल्लाह जब क्लास शुरू होंगे तो वो और भी अच्छे तरीके से आप लोग को वीडियो लेक्चर से हम आ, ये प्रेजेंटेशन से हम और भी इसको क्लियर करेंगे बच्चे याद रखें कंप्यूटर एवोल्यूशन में आप लोग को इनके नाम पता होने चाहिए कि कौन से जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उसने क्या किया था ये अक्सर हमारे पास एग्जाम में भी आता है एम में भी आता है इनकी डेट्स वगैरह भी आप लोग को याद होनी चाहिए अच्छा ये है नेपियर्स बोन जो के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता था इसके बाद हमारे पास क्या है वन ऑफ द फर्स्ट मकैनिकल कैलकुलेटर्स वॉज़ डिवेलप अबाउट सिक्सटीन टू बाय इन सिक्सटीन फोर्टी टू बाई नाइनटीन ईयर्स ओल्ड ब्लाइस पासकल जिसको पैस्किलीन भी कहा जाता है पैस्किलीन दिस मशीन कुड एड एंड सब्रैक्ट नंबर्स एंड हैड द एबिलिटी टू कैरी डिजिट्स अच्छा आप देखते हैं ना कि स्टेप बाई स्टेप पहले अबैकस में हमारे पास सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही थी फिर नेपियर्स बोन में हमारे पास क्या हुआ एक्ट मल्टीप्लिकेशन होने लगी और अब जो ब्लाइज पैस्कल uh, uh, है जिसको पैस्किल भी कहा जाता है अब इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है लेकिन इसमें जो एक डिजिट कैरी क्या, क्या, डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें हमारे पास हो सकता है तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या हो रही है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है लेकिन फिर भी ये सारी जो मशीन्स थी ये हमारे पास मैनुअल है ये ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं है लेकिन फिर भी आहिस्ता आता इसमें इस हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है तो हमारे पास जो आ, 1642 में एक 19 ईयर ओल्ड ब्लाइस पास्कल जिसका नाम था उसने एक मशीन इजाद किया जिसका नाम था पैस्किल और इस मशीन की जो करेक्टरिस्टिक क्या थी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था लेकिन कैरी डिजिट के साथ अब इसकी भी पिक्चर नहीं है तो मैंने इसकी भी पिक्चर आप लोग के लिए एक अरेंज कर दी है ये इसमें उस वक्त की ये ब्लाइस पास्कल जो है पेस्कलीन है ये इससे हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था लेकिन ये इस ये देखिए इसमें आप हमारे ये हमारे पास देखिए ये इसमें कैरी डिजिट्स की भी हमारे पास फैसिलिटी दे रहा था किसमें पेस्कलीन में इसके बाद जो हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है द मैन हु कंसीव्ड कंसीव्ड मीन्स गन्सीव आइडिया देना

एम सी में भी आता है मैंने अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ये देखा है कि इस जो चार्ल्स बाबेज है इसके बारे में अक्सर एम आते हैं कि हु इज़ द फ़ादर ऑफ़ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स तो कौन है चार्ल्स बाबेज जो है इस ये इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कम्प्यूटर कहते हैं ही डिवेलप कैलकुलेटर कॉल डिफरेंस इंजन चार्ल्स बाबेज ने क्या किया था एक कैलकुलेटर डेवलप किया था जिसको डिफरेंस इंजन बोलते हैं और ये डिफरेंस इंजन जो कैलकुलेटर है ये मॉडर्न जो कंप्यूटर uh, है मॉडर्न जो आजकल हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर जो आ रहे हैं जो, जो आजकल आप लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल तो बहुत ही डेवलप है लेकिन इनका आइडिया और इनका कॉन्सेप्ट किस किस से लिया गया है इस डिफ्रेंस इंजन से जो कि दिया था चार्ल्स बाबिज ने मॉडर्न इंजन मॉडर्न कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था वो चार्ल्स बाबिज ने दिया था जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम डिफरेंस इंजन बनाया था अब ये डिफरेंस इंजन इसकी भी पिक्चर मैं आप लोग को डिस्प्ले कर देता हूँ ये भी मैंने अरेंज की है ताकि आप लोग को समझ आए ये हमारे पास जो मशीन आप लोग देख रहे हैं ये डिफ्रेंस इंजन है उस वक्त तो ये काफ़ी बड़ी मशीन थी और इसका जो यूज़ भी था वो भी मुख्तलिफ किस्म का था लेकिन फिर भी ये आ, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है ये कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर रहा था ये जो आजकल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी डिफरेंस इंजन से लिए गए हैं जो कि हमारे पास डव, 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 जो कि हमारे पास किसने दिए थे वो चार्ल्स बाबिज ने दिए थे तो ये हमारे पास डिफरेंस इंजन है जो कि चार्ल्स बॉबिज ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था बच ये देखें गौर से ये है डिफरेंस इंजन अच्छा इसके बाद इन 1823 ट्वेंटी थ्री बाबेज प्लान टू कंप्लीट अनदर कैलकुलेटिंग मशीन एनालिटिकल इंजन उसके बाद 1823 में इसी चार्ल्स बाबेज ने एक दूसरा मशीन कंप्लीट करने की कोशिश की जिसको हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं ये देखिए एनालिटिकल इंजन अब ये है ये उसे दूसरा मशीन ये नज़र आ रहा है आप लोगों को एनालिटिकल इंजन फिर चार्ल्स बाबेज ने डिफरेंस इंजन के बाद ये जो है एनालिटिकल इंजन ये डेवलप किया इसको कंप्लीट करने की कोशिश की लेकिन इसमें वो नाकाम रहा ये अनसक्सीड प्लान था इसका लेकिन फिर भी अनसक्सीडिड प्लान था लेकिन फिर भी चार्ल्स बाबेज ने क्या किया मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए एक स्टेप रखा आगे और मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए उसने एक कॉन्सेप्ट क्या किया कॉन्सेप्ट दे दिया कि हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स हो सकते हैं so in 1823 uh, uh, babbage planned to complete another calculating machine analytical engine but he failed because technology of that time was not so high but he succeeded in establishing the basic principles on which the modern computers are constructed उसने मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए क्या कि प्रिंसिपल्स बनाए उसका कॉन्सेप्ट दिया जिससे आजकल के हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो आजकल कंस्ट्रक्ट हुए हैं उनको बनाने के लिए काम आए हैं तो बच्चे आज के हमारे पास ये टॉपिक्स थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और कंप्यूटर एवोल्यूशन उम्मीद है आप लोग इस टॉपिक को समझ चुके होंगे अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम स्कूल में हैं आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर्स पे आप लोग के क्लास टीचर्स नंबर्स आप लोग के पास हैं अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर सकते हैं प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमने कंप्यूटर के टीचर से आ, मतलब कांटेक्ट करना है ये टॉपिक समझ नहीं आई या ये टॉपिक समझ नहीं है, तो हम आ, आपके लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं स्कूल में तो किसी भी टाइम आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे ये आज का टॉपिक है घर में उम्मीद है आप लोग ये कंप्यूटर की डिफिनेशन है इसमें और इसमें ये इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कंप्यूटर एवोल्यूशन में काम आई है इसको आप लोग घर में दोबारा से पढ़े तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है समझ नहीं आई तो हमसे कांटेक्ट करें हम, करे, हम इनशाला आप लोगों को दोबारा दोबारा भी समझाएंगे अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास इन हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होगा ये हमारे पास ज़रा लेंथी टॉपिक है तो इन इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है इसमें पढ़ेंगे तो उम्मीद है आप लोग को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा चलें इन नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले टॉपिक में फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं जो हमारे पास हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़